दोस्तों नमस्कार, मैं आपको इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकयानंद ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इससे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे रंग की हरे रंग की पट्टी है और ये तीनों समानुपात में है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिलियां होती हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि तिरंगे का विकास कैसे कैसे हुआ। दोस्तों, यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से किन किन परिवर्तनों से गुजरा। इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया या मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों से गुजरा है। एक रूप से यह राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक प्रभाव इस प्रकार हैं। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक यानी कि ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। दोस्तों, द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। आइए दोस्तों, अब तृतीय ध्वज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तृतीय ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर खंभे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान, जो कि 1921 में बेजवारा अब विजयवाड़ा में किया गया था, वहां आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को भेंट किया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा भी होना चाहिए। दोस्तों, वर्ष 1931 में ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष आया।
तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज को वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है। केसरिया सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था, तथापि यह स्पष्ट रूप से बताया गया इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी थी। दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और इनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो कि देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र हैं, इसे धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। आइए दोस्तों, अब राष्ट्रध्वज की ध्वज संहिता को जानते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति दी गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। 26 जनवरी 2002 विधान पर आधारित कुछ नियम और विनियमन जो इस प्रकार हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें करना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान देने की प्रेरणा के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों को अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहां तक संभव हो, इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। इस ध्वज को आशय पूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता है। किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर नहीं लगाया जा सकता है।
तिरंगे ध्वज को वंदनवार ध्वज पट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में कि क्यों कब और कैसे तिरंगा ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।